हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं और उनकी आंसर्स। तो अभी तक हम लोग 700 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, और अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं वो, तो जनरल साइंस के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डली हुई है। 701वां क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण है क्षति। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की क्षति को ऑक्सीकरण कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिससे ताप की उत्पत्ति होती है। तो आपको बता देना है, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। उस रासायनिक प्रतिक्रिया को ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है। वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके प्रतिबल देता है तथा प्रतिफल पुनः अभिक्रिया करके अभिकारक देता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अपचारक नहीं है। तो याद रखना, NaNO3 नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 704, K2Cr2O6 में O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर क्या है। तो याद रखना, +6, ठीक है। किसी परमाणु में जितना आवेश उत्पन्न होता है वह उस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। यदि कोई तत्व स्वतंत्र अवस्था में हो तो वैसी स्थिति में उसका ऑक्सीकरण संख्या शून्य होता है। किसी यौगिक में क्षार धातु का की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। किसी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या प्राय -2 होती है। किसी यौगिक में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस धातु में घुल जाता है। तो ये याद रखिए, एक्वा रेजिया अम्लराज में। क्वेश्चन नंबर 6, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 7, वायल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं। तो याद रखना है, H2SO4। क्वेश्चन नंबर 8, कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे कहा जाता है उत्प्रेरक। कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ होता है उत्प्रेरक कहलाता है। वैसा पदार्थ जिसकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की गति कम या ज्यादा हो जाता है किंतु वह स्वयं अपरिवर्तित रहता है उत्प्रेरक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एरोसोल है। तो याद रखना, द्रव या ठोस का गैस में मिलन। क्वेश्चन नंबर 10, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HCl का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब उसका आयतामान घटकर हो जाता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे परम शून्य ताप भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अम्ल बदल देता है नीला लेटमस को लाल में, ठीक है, ए ऑप्शन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अम्ल बदल देता है नीले लेटमस पत्र को लाल में यदि स्वाद में खट्टा होता है तथा जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। H2SO4 को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। क्षार वह पदार्थ है जो स्वाद में तीखा होता है। लाल लेटमस को पत्र को नीला कर देता है। जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है, जैसे NaOH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, चीनी के घोल का तापमान बढ़ाने पर चीनी की विलेयता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 14, कार्बन के निम्न अपरूपों में से किसका प्रयोग काटने और छिद्र करने में किया जाता है। तो याद रखिए, हीरा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है। तो याद रखना, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 17,
एक रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है? इन सभी का, अल्फा का, बीटा कण का, गामा कण का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें डी ऑप्शन है याद रखना 16 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है? तो याद रखना प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 18, ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को कहते हैं उदातिकरण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, किस पदार्थ का गुण जो अवस्था विराम या एक समान गति का सीधी रेखा में परिवर्तन कर का विरोध करता है कहलाता है? तो याद रखना जड़ता, बी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जो अवस्था विराम या एक समान गति की सीधी रेखा में परिवर्तन का विरोध करता है जड़ता कहलाता है। अगर कोई पिंड स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहता है, या एक समान सरल रेखा पर गतिशील है तो वह गति में ही रहना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति को परिवर्तित ना कर दे। इसे न्यूटन का प्रथम गति नियम या जड़त का नियम भी कहते हैं। रेलगाड़ी के अचानक खुलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल झड़ जाती है। पत्थर से खिड़की पर मारा जाता है तो उसका शीशा टूट जाता है। ये सभी इसके उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान है? तो याद रखना डी ऑप्शन कार्बन। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटॉन का द्रव्यमान है? तो याद रखना 1.672 6 × 10⁻²⁷ kg, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स किरणों की खोज किसने की? तो याद रखना डब्ल्यू रोंटगन ने, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23, एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है हाइड्रोजन आबंध, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से एल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे मजबूत हो सकता है? तो याद रखना प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 25, एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है फिडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, फिलिंग विलयन है, तो याद रखना अमोनियकल कॉपर सल्फेट का, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा इमेनो अम्ल देता है कहलाता है? तो याद रखना मात प्रोटीन, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28, आदर्श गैस समीकरण है, तो याद रखना पीवी बराबर एनआरटी, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों ही बंध उपस्थित हैं? तो याद रखना NaOH। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेशी है? तो याद रखना कल्पकम तमिलनाडु में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपचारक या अपचायक होना है? तो याद रखना SO2। क्वेश्चन नंबर 33, शुद्ध जल विद्युत का संवहन नहीं करता क्योंकि वह उदासीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल है अंडर रूट बाई बी अपॉन डी। ठीक, 35 क्वेश्चन, लोहे की चादर पर कौन सी धातु ज्यादा सुरक्षित आवरण बनाती है? Zn, जिंक, जस्ता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36, अर्ध शैल अभिक्रियाएं हैं Cu, Cu2++, -0.34 वोल्ट, फिर 2g क्रिया करके 2 Ag+, 2e- रेडायन ई -0.80 वोल्ट। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? सेल का विद्युत वाहक बल होगा 0.46 वोल्ट। ठीक है, बी ऑप्शन यानी कि। क्वेश्चन नंबर 37, लवण विलयन का पीएच
POH 6 है, उसका pH होगा, तो याद रखना 8। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन जल में कुलाइडीय विलयन बनाता है, तो याद रखना NaCl। क्वेश्चन नंबर 39, स्टार्च का रासायनिक सूत्र है C6H12O5 कोष्टक N, ठीक, कोष्टक बंद के बाद N। कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है, तो याद रखना एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 41, कार्बनिक अम्ल में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक समूह सम्मिलित है, -COOH। क्वेश्चन नंबर 42, जब प्राकृतिक रबक को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, सी ऑप्शन सही होगा इसमें, वल्केनाइजेशन, सी ऑप्शन। तैतालीस, धातु के ऑक्साइडों को पानी में घोलने पर प्राप्त होता है, क्षारीय घोल। क्वेश्चन नंबर 44, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो याद रखना CaOCl2, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, वेद तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, अधातु। क्वेश्चन नंबर 46, किसी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, तो याद रखना ऑक्सीकरण। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अवकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47, साधारणता किसी कार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 48, स्टेनलेस स्टील किसके कारण संचारण को रोकता है, क्रोमियम, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है, N2O, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक है, तो याद रखना प्रोपियोनिक अम्ल, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न के जल अवघटन में से अमीनो अम्ल प्राप्त होता है, प्रोटीन। क्वेश्चन 52, सोडियम एक्सीनेट के विद्युत अवघटन से निम्नलिखित प्राप्त होता है, तो याद रखना C2H6। क्वेश्चन नंबर 53, फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल को जमाने में निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अवघटन सबसे कम सहायक है, तो KCl, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर निम्न प्राप्त होता है, बी ऑप्शन, S4O6-2, -2। थायोसल्फेट आयन को I2 से उपचयन करने पर S4O6 की पावर -2। फेलिंग विलयन व बेनिडिक्ट विलयन का ग्लूकोज द्वारा अपचयन होने पर निम्न प्राप्त होता है, याद रखिए Cu2O, ठीक है, बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक स्थायी चुंबक है, तो याद रखना मुलायम लोहा। क्वेश्चन नंबर 57, NaCl में निम्न विलयनों में किसकी विशिष्ट चालकता सबसे कम होगी, तो ये होगी डी ऑप्शन, 0.001 N। क्वेश्चन नंबर 58, K3 कोष्टक बंद, Fe फिर कोष्टक छोटा कोष्टक, CN कोष्टक बंद छोटा 6 फिर बड़ा कोष्टक बंद में उपस्थित आयनों की संख्या कितनी है, याद रखना 4, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 59, एक एल्कोहल ये क्षारीय विलयन की एल्काइल हैलाइड में क्रिया में मुख्य रूप से निम्न होता है, तो याद रखना प्रतिस्थापन। क्वेश्चन नंबर 60, 2 पेंटिनोल व 3 पेंटिनाल
निम्नलिखित में द्वारा अंतर किया जा सकता है, तो याद रखना आयोडोफायम प्रतिक्रिया। यह पीले रंग का रवेदार पदार्थ है जिसमें एक तरह की गंध होती है। यह जल में अघुलनशील परंतु एल्कोहल एवं ईथर में घुलनशील है। यह ऊर्ध्वपातित होता है। यह एक तीव्र कीटाणुनाशक है पदार्थ है। जीवाणु नाशक की तरह इसका उपयोग दवा में होता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पानी की भाप में वाष्पित होता है, तो याद रखना पैरा नाइट्रो फेनोल। क्वेश्चन नंबर 62, एक निष्क्रिय गैस जिसकी खोज पृथ्वी पर होने से पहले सूर्य में हुई थी, निम्न है एची हेलियम। क्वेश्चन नंबर 63, हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था, केवेंडिश ने। ठीक है, केवेंडिश ने 1766 में किया था इसका। ऑक्सीजन का आविष्कार प्रेस्टले ने के द्वारा 1772 से 74 में। रेडियम रेडियम की खोज मैडम क्यूरी द्वारा 1898 में की। बॉयल के द्वारा गैसीय नियम का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 64, किस गैस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल वैश्विक ऊष्मायन के लिए उत्तरदायी है, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 65, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया में C2H2 दर्शाता है, तो आपको बता देना है अम्लीय गुणधर्म। क्वेश्चन नंबर 66, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है परिवहन। क्वेश्चन नंबर 67, यशद पुष्प होता है, याद रखना जिंक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 68, संश्लेषित अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं, बेंजीन सल्फोनेट एसिड का सोडियम साल्ट से। क्वेश्चन नंबर 69, शौचघरों और मूत्रालयों में से प्राप्त वाहित मल को माना जाता है स्वच्छता अवशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 70, पेय जल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमानित सांद्रता है 200। क्वेश्चन नंबर 71, विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहां पर एकत्रित होता है, एनोड। अधिकांश ईंधन कार्बनिक यौगिक होते हैं हाइड्रोजन के साथ। क्वेश्चन नंबर 73, जैव उर्वरक कौन सा है, कंपोस्ट। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है, तो याद रखना फ्यूरान। क्वेश्चन 75, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, पीड़क राशि के रूप में DDT का प्रयोग की हानि है, तो याद रखना प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है, बी ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 78, ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो याद रखना CO2 CH4 NO CFC, ठीक है ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 79, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने में का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाता है, 8 महीने में। क्वेश्चन नंबर 80, दाहक सोडा कैसा होता है, प्रसवेदी, ठीक बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 82, एक श्वेत ठोस पदार्थ एक गर्म करने पर एक गैस निकालता है जो चूने के पानी से को दुधिया बना देती है, बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है, तदनुसार वह ठोस ए क्या है, जिंक कार्बोनेट, बी ऑप्शन होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 83, पानी में लटकते हुए कोलाइडी कण किस प्रतिक्रिया से हटाए जा सकते हैं, स्कंदन, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 84, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं, वायु मिश्रण, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है, मैग्नीशियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 86, पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87,
निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक निम्नलिखित लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? अभ्यक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 88, उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचा, बुखार को नीचा लाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? ज्वर रोधी। ठीक, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89, स्वचालक वाहनों के रेडिएटर में पितिहिम के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? एथिल एल्कोहल और H2O। रेडिएटर से इंजन को ठंडा रखा जाता है। ठीक, 90, सल्फ्यूरिक अम्ल है तो याद रखना द्वि क्षार की। क्वेश्चन नंबर 91, जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा पित्ती उत्पादित किया जाता है? मालवेसी, ये ऑप्शन सही है। जटोपा के बीज से जैव डीजल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, गंदे पानी के उपचार में अवसाद होज का क्या कार्य है? निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना। क्वेश्चन नंबर 93, दूध के वितरण से पहले उसे स्थिर करने और रोगजनक बैक्टीरिया को निकालने के लिए किया जाने वाला ऊष्मा उपचार क्या कहलाता है? पास्तुरीकरण। ठीक, दूध के वितरण से पहले उसे स्थिर करने और रोगजनक बैक्टीरिया को निकालने के लिए किया जाने वाला ऊष्मा उपचार पाश्चुरीकरण कहलाता है। पाश्चुरीकरण की क्रिया में दूध को 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 सेकंड, सॉरी 15 सेकंड गर्म किया जाता है तथा 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड गर्म किया जाता है। उसके बाद दूध को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस क्रिया को पाश्चुराइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 95, घरों की रसोइयों और स्नानागारों में से द्रव अवशिष्ट को कहते हैं मल जल। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सी धातु पारिस्थितिकी में जैव आवर्त समस्या योगदान करती है? मरकरी। 97वां क्वेश्चन है, एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो याद रखना, यह तार की अनुप्रस्थ काट के छेद छेद के सीधे अनुपात में होता है। एक तार के प्रतिरोध के बारे में यह तार की अनुप्रस्थ काट के सीधे अनुपात में होता है, यह गलत है, कथन गलत है। सही कौन कौन सा है? यह तार की सामग्री पर निर्भर करता है, सही है। यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, यह भी सही है। डी ऑप्शन है, ताप में वृद्धि के साथ धातु तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 98, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है क्या है? प्लूटोनियम। क्वेश्चन 99, नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है क्योंकि नाइट्रोजन में है उच्च आबंध वियोजन ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन है 800वां, लोह अयस्क से लोहे के विनिर्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? याद रखना, अपचयन, बी ऑप्शन है। ठीक है, तो 800 क्वेश्चन तक देख चुके हैं, 801 से आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है।